हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। डिलीवर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर की दासी पास्टर सानिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, पवित्र आत्मा भेदों को जाहिर करता है। जिस तरह नीति वचन की पुस्तक अध्याय 1 की 23 आयत में लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सफलता ज्ञान पर नहीं प्रकाश पर निर्भर करती है। जब आप आत्मिक तरीके से बाइबल पढ़ते हैं तो आपको वचन समझ आते हैं। जब आप पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंधों को बनाते हैं, वो आपको प्रार्थना करना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को चुना था तो अनुमानित 3 साल बाद चेलों को बोला कि आज मैं तुम्हें दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार देता हूँ। जिस दिन 12 चेले चुने गए थे उस दिन उनको दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार नहीं मिला था, पर जब वह एक समय परमेश्वर के साथ रह चुके थे और प्रभु को छोड़ा नहीं, तब परमेश्वर ने कहा कि आओ, अब मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। जब पवित्र आत्मा के साथ संबंधों को बनाते हैं और रोज 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर और 1 घंटा रात को परमेश्वर के पास जाते हैं, बिना किसी शर्त के आप उसे दवाई की तरह ले रहे हो, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर ने पत्रस से कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे यशायाह कहता है। फिर परमेश्वर ने पत्रस से पूछा, तू मुझे क्या कहता है? तो उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब परमेश्वर ने कहा कि यह भेद तुझ पर पवित्र आत्मा ने जाहिर किया है। मैं तुझ पर बड़ी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। जब आप रोज परमेश्वर के पास जाते हैं, चाहे शादी हो, पार्टी हो, चाहे आप दुखी हो, आपका प्रार्थना का समय नहीं बदलता, तो फिर पवित्र आत्मा आपके साथ संबंध बनाना शुरू करता है और आपको पवित्र आत्मा की आवाज़ सुननी शुरू होती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब आप बीज बोएं तो परमेश्वर के साथ सौदेबाजी ना करें कि अगर मैं बोऊं तो परमेश्वर मेरा यह काम कर देगा। आप जो बोते हैं, आपका पैसा चर्च में आ रहा है और उसके कारण पूरी दुनिया में लोग मेरे द्वारा वचन सुन पा रहे हैं। फिर जब परमेश्वर देखेगा कि आपके बोने के बाद काम हो रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को, आपके बच्चों को आशीषित करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके ऊपर अपने गहरे भेदों को जाहिर करे। आमेन, आमेन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा अपने संबंधों को आपके साथ मजबूत करूँगा ताकि आप अपने गहरे भेदों को मेरे ऊपर जाहिर कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस पवित्र वचन के द्वारा, सामर्थ्य वचन के द्वारा आशीषित करे। स्वर्ग फलों के साथ गॉड ब्लेस यू। मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। गॉड ब्लेस यू।